फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग रेसिपी जिसका नाम है व्हीट फ्लोर मिल्क केक। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। उसके लिए ये देख सकते हैं मेरे पास है, ये इस तरीके का 1.5 कप है हमारे पास व्हीट फ्लोर, गंदम का आटा है मेरे पास। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक सीख ले लें, और इसमें 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑल फ्लोर पर्पस मैदा। और इसी के अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने 1/4 टेबल स्पून लेना है, ये देखें। और इसको आप सीव कर लें इस तरीके से, जो हमारे पास है बेकिंग सोडा वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए जी। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप दोनों चीज़ों को, ये देखें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी, आप ऐड कर लें, ऑयल ऐड कर लें, जो आपको पसंद हो आप वो ऐड कर लें। मैं इसमें, हमारे पास है मेल्टेड देसी घी, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। 2 टेबल स्पून करीब हमने इसमें ऐड करना है, ये देखें। और अब इसमें ऐड करेंगे कर्ड, 1/4 कप हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे, ये देख रहे हैं, ये आप 1/4 कप है। और अब इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, ये देखें, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करें इसमें। और अब आप इसे हाथ से थोड़ा सा नीट कर लें, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त डो बनाना है। और इसको बनाकर आपने रख देना है, और उसके बाद शुगर सिरप आपने पहले तैयार करना है, क्योंकि ये ऐसे ही बनेंगे जैसे हम जलेबियाँ बनाते हैं या कोई स्वीट चीज़ और बनाते हैं जिनको हम फ्राई करने के बाद फ़ौरन से शीरे में डिप करते हैं, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से आप कर लें मिक्स। और इनको थोड़ा सा यहाँ पे सेट करके, और इसकी थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। जब तक ये रेस्ट पे रहेगा तब तक हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे, ये देखें, ये तकरीबन रेडी है। और अब हम यहाँ पे इसको छोटी छोटी जो हमारे केक की शक्ल है वो दे देंगे हम इसको, और शेप्स बना के इसको रेस्ट पे रखेंगे जी। इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे नीट कर लें, और इसको छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में ले लें पहले आप, और एक पेड़े की शक्ल दे दें। उसके बाद इसको इस तरीके से लॉन्ग शेप में रख के यहाँ से ऐसे प्रेस कर लें ताकि ये लॉन्ग केक की शक्ल में बन जाए, ये देखें। इस तरीके से सारे बनाने हैं आपने, तो ये देखें, इनको हम बेलने से बेल के और इस तरीके से, इस शेप से हमने इनको काट के रख लिया, ये देखिए, इतनी आपने तय रखनी है। इसको आप साइड पे कर दें, और अब चलते हैं शीरा तैयार करने की तरफ। उसके लिए 2 कप पानी डाला है मैंने, और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी, ये देखिए 1.5 कप चीनी डाली है। और इसमें डालेंगे 1 अदद इलायची, और इसको चलते हैं अब हम बनाने की तरफ। शीरा बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको बना के आप रख लें साइड पे। चले अब हम इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए, शीरा मैंने रेडी कर लिया है, और अब चलते हैं अपने मिल्क केक को फ्राई करने की तरफ। और ये फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, जैसे ही गर्म होता है इसमें हम फ्राई करेंगे 1 बाय 1। ये गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें 1 बाय 1 डाल देते हैं, देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मिल्क केक, व्हीट फ्लोर केक। और जैसे ही ये यहाँ पे फ्राई हो जाएंगे आपने इनको फ़ौरन से शीरे में डिप करना है। ये देख रहे हैं आप, ये कैसे फूलते जा रहे हैं। ये देखें, और थोड़ी सी आंच जो है वो धीमी कर दें आप, ये देखें कितने ज़बरदस्त फूल रहे हैं ये। ये देखें, ये ब्राउन हो गए हैं, और अब आपने इनको बाहर निकालना है।
और इनको फ़ौरन से आपने शीरे में डाल देना है। ये देखें ऐसे ही गरम गरम शीरे में डिप कर दें इस तरीके से, 2 से 3 मिनट के लिए इनको शीरे में रहने दें, उसके बाद निकाल लीजिएगा। इस तरीके से सारे हम निकालेंगे और निकाल के शीरे में डिप करते जाएंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हैं ये और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। बस ये देखें इस तरह हमने शीरे में इसको डिप किया है और अब हम बाहर निकालेंगे 2-3 मिनट के लिए, ये ऐसे ही शीरे में पड़े रहे हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त बन गए हैं और जूसी भी बन गए हैं। व्यूअर्स तो ये रहे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे व्हीट फ्लोर मिल्क केक। ये देखें कितने मज़ेदार हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी मैं आपके सामने एक को तोड़ कर दिखाती हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह कितने जूसी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, आप टेस्ट कर लें। अमेजिंग, इट्स क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके और आप इंजॉय करें कर सकें मज़ेदार रेसिपीज़ को। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।